यूपी में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इसी बीच पहले चरण की वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो किसी की गर्मी निकालने चले थे, पहले चरण में ही उनके अपने समर्थक ठंडे पड़ गए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि केराना से तमंचावाद पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, आने वाले 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही ये अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब हो या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करे। वहीं सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार पर घोषणा पत्र को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जितने वादे और जुमले हैं, झूठी बातें हैं जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र निकालें, वचन पत्र निकालें या शपथ पत्र निकालें। यूपी की जनता विश्वास नहीं करने वाली, बीजेपी भरोसा खो चुकी है। लखीमपुर में किसानों की हत्या का मामला हो, हाथरस में युवती के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला हो, इलाहाबाद में युवा के साथ हत्या का मामला हो, गोरखपुर में व्यापारी के साथ दिन दहाड़े हत्या का मामला हो और कोरोना में आम जनता को जो परेशानियां झेलनी पड़ी जिसमें बीजेपी सरकार जनता के साथ कहीं भी खड़ी नहीं रही, जनता इन सारे मामलों को भूलने वाली नहीं है, इसलिए इस बार जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी।